कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और मैंने फर्स्ट टाइम में गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं ये अपना गोल्ड मेडल मेरी पूरी कंट्री को डेडिकेट करना चाहूँगी और सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, मेरे कोचेज़ को, सपोर्टिंग स्टाफ को और पूरी कंट्री को। मैं फुल कॉन्फिडेंट थी ये गोल्ड मेडल जीतने के लिए, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी और इसी की तैयारी करने के लिए हमारा जनवरी से ही कैंप चल रहा था, तो हमारी तैयारी अच्छी चल रही थी इसमें। और अब इस गोल्ड मेडल को कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप जाके, किस तरह से, क्या प्लान है? गोल्ड मेडल को मैं सेलिब्रेट मेरे रिंग में ही कर चुकी हूँ मैं फाइनल के बाद, और अभी मैं अपने सभी कोचिज से मिलूँगी और फैमिली से मिलूँगी। और ये मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? मैं ये मेडल मेरी पूरी कंट्री को ही डेडिकेट करना चाहूँगी। क्या टारगेट है आपके इस साल के लिए? अभी इस साल बहुत सारे कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, तो मैं हर एक कॉम्पिटिशन को अपना पूरा फोकस के साथ अपनी 100% परफॉर्मेंस के साथ दे के अपना अच्छा करूँगी। एशियन गेम्स हो गया, नेक्स्ट ईयर है, क्या और तैयारी का मौका मिल गया है? हाँ, अभी और पोस्टपोन हो गए हैं गेम्स, तो हमें और टाइम मिल गया, इसके लिए ये अच्छी बात है। और एक आखिरी सवाल, 2024 पेरिस ओलंपिक थोड़ा दूर है, 1.5 साल है, क्या रोड मैप अभी से बना लिए है? हाँ, तो अभी तैयारी हमारी शुरू हो गई है, हम अच्छा ही करेंगे आगे भी। थैंक यू। मेडल क्या है? फोटो मेडल